खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक पांचवां बाब 17वीं आयत से 37वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, यह ख्याल मत करो कि मैं तौरात और या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बान गाह के सामने छोड़ कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मुद्दई तुझे मुनसिफ के हवाले करे और मुनसिफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तू जिना मत कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे, वो अपने दिल ही में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाया तो इसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे, उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज कसम ना खाना, ना आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है, और ना अपने सर की कसम खा क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या सयाह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो और तुम्हारी नहीं
नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है सो बदी से है। जिले मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। मुझे तूने हर पल सहारा दिया, शुक्र हो खुदावन खुदावन तेरा। मुझे तूने हर पल सहारा दिया, तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो ऐ खुदावन खुदा। मुझे तूने हर पल सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया। तेरा शुक्र हो ऐ खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र हो ऐ खुदावंद खुदा। मुझे तूने हर पल सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया। मुझे पस्तियों से बुलंदी किया, मैं मट्टी थकुंदन मुझे कर दिया। वाह वाह। मुझे पस्तियों से बुलंदी किया, मैं मट्टी सकुंदन मुझे कर दिया। सुनी है हमेशा मेरी ये दुआ, सुनी है हमेशा मेरी इल्तजा। मुझे तूने हर पल सहारा दिया, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन बहिश्त विच जाना चाहता है? एक ख्वाहिश हर दिल च लाजमी, खुदा मुन यसु खुदा इंसान बने से वास्ते उस जिंदगी चले जाना। यसु मसीह खुदा जरा इंसान बनया, बहिश्त जमीन ते आ गया, ते फिर सानू सारे नू बहिश्त विच लै अबदी जिंदगी शामिल करता है। तेरे नाल दा मिलदा सवाल हो करांगा, कौन कौन मुकद्दस बनना चाहता है? हाँ जी, क्योंकि बहिश्त च सारे मुकद्दस ही ने। बहिश्त च वह लोग ने जिन्ह ने जरा भर भी गंदगी नहीं, जरा भर भी। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। हाँ जी, उन्होंने जरा भर भी मैल नहीं, जरा भर भी गुनाह नहीं। हाँ जी, तो मतलब की होया फिर, अगर बहिश्त जाना है या मुकद्दस होना, एको गल है। बहिश्त जाना या मुकद्दस, हाँ कहने फलां मुकद्दस फलां मुकद्दस, वो समझ इन्होंने ऑल द वे अपने जिसम च गुनाह नू दित्ते शिकस्त दी, गुनाह नू जंग लड़ी, गुनाह नाल बदी नाल मुकम्मल तौर ते खत्म किया। ऐ मयार है सारिआं दा, इस तो घट मयार नहीं, इस तो घट कहिंदा मीडियोक्रिटी, घट मयार। हाँ जी, घट मयार, घट सोच, घटिया सोच, थले वाली नहीं। हुण कमांडोज जिहड़े हुंदे ना, कमांडोस उहनां च ते आम फौजियां च फर्क हुंदा जी बड़ा। 100 फौजी भी उहनां दे सामने एक कमांडो कल्ला ही काफ़ी है उहनां वास्ते, क्योंकि उहनां दी ट्रेनिंग फर्क हुंदी है, उहनां दी खुराक फर्क है, उहनां दी एक्टिविटीज़ फर्क है जी। हाँ, सख्त ट्रेनिंग कमांडोज दी, एवें खास खास लोगों के नाल VIP लोगों नाल कमांडोस हुंदे ने, हर वेले हर वे इन्ने अलर्ट, इन्ने चुस्त चुस्त होंगे ने, उन्होंने ट्रेनिंग फर्क होंगी है। मुकद्दस होना और जिस्मानी तौर पर, मुकद्दस होना रूहानी कमांडोज बनना है।
रूहानी कमांडोज पढ़ना है। असी दरअसल चिड़िया कावां दे नाल रह रह के ना कीड़िया मकौड़े उंज दे सी असी इहो ही करे नहीं। साडा बुलावा मुकद्दस होंदा है। अगर मुकद्दस की जगह तो असीं कमांडोस ला दीए तो सिर्फ मिसाल समझ गए रूहानी कमांडोस ने। साडा बुलावा भी रूहानी कमांडोस बनना है। इस तो घट तुहाडा मियार सोचता नहीं होना चाहिए। अगर जाना उत्थे ते तद ही मैं पूछिया कौन कौन जाना चाहता पहला। अगर मंजिल वाजे है उन्होंने भी कमांडोज की ट्रेनिंग होंगी उन्होंने मंजिल दसी जाती है यह काम है और उस काम के मुताबिक फिर उन्होंने ट्रेनिंग होंगी है। खुदावंद भी सानू दसदा कि उत्थे जाना है मुकद्दस होना है कामल होना है। तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। तुम पाक हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। ए मियार है हुण सवाल जरा औखा है औखा सवाल है पर जवाब अगर जरा जरूरतमंद है दे दे। वैसा इतने बंदा है जिन्हें कोई कतल किया इतने के या दूसरे कोई ऐसा बंदा है कि जिन्हें कि कोई कातल नहीं है इतने कोई है कोई भी कातल नहीं है हाथ खड़ा करो जो समझो कि कोई भी कातल नहीं इतने कोई है कातल इतने कोई नहीं या दूसरी तरफ जिन्हें कोई कतल नहीं किया वो हाथ खड़ा करे उच्चा हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी गल है बस इन्नी खुशकमी च रहिंदे हो। अज खुदावंद यीशु चीर फाड़ करना चाहता है तुहाडी इह तां आम मियार है। और इहो ही सारे कहिंदे ने मैं कहड़ा कतल किया है मैं कहड़ी जनाहकारी की है। अज तुहानू आईना विखाने आ कतल की है जिनाकारी की है। अगलों से कहा गया था तो खून ना कर। अगलों से कहा गया था और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो अदालत में सजा के लायक होगा। जो अपने भाई को राका कहे अदालत आलिया में सजा के लायक होगा। जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। सवेर तो लैके अरे किन्ने किन्ने कतल कर देने असी तुसी सिर्फ उन्हों कतल समझते हो। खुदावन जिन्हों कतल समझद यह मसीह की तालीम है। कानून सिर्फ वह मैं कहड़ा कतल किया है। लेकिन जिन्हें जदों की असं होश संभाली है बच्चों तो समझ नहीं दी उस वक्त तो लैके अपने लफ्जा नाल हाथ नाल अखा नाल जुबान नाल किन्ने का कतल कर चुके असी किन्नों असी अहमक करार दिता किन्नों बुरा भला किया किन्नों झगड़ा किया किन्नों बुरा भला आख्या साहब लाओ असी सारे कातल हाँ सारे कातल हाँ इस तलीम के मुताबिक मूसा की तलीम दो तो ठीक है। लेकिन मसीह मैं तुमसे कहता हूँ मसीह ने आख्या मैं तुमसे कहता हूँ गुस्से होना नफरत रखना बुरा भला कहना एक खर्च रेंद दोस्तों हर बंदा क्योंकि दिल तो शुरू होंगे काम दिल च बुराई है दिल च नफरत आ गई किसी के बारे च कतल हो गया इतों ही शुरू होंगे जो काम। इसलिए मसीह ने आख्या मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इन्हें आखिया मैं कड़ा कतल किया जी खुदा की अदालत च एक कतल है किसी नाल झगड़ा करना बुरा भला कहना राका कहना अहमक कहना जबान कितने कितने असी तेज धारी तलवार वाग असी चलाने घर च वेखो किल किल भैन भरावान लड़ाई प्रॉपर्टियां तो लड़ाई जेवर तो लड़ाई शादी ब्याह वेखो किसी ना पुछो शादी ब्याह पुछो लड़ाइया अज निकाह होंदा तो अगले दिन तलाका ते गल पहुँच जाती है। खुदावंत जी कहा जब कुर्बान गाह के पास जाए यहां तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत उठे छोड़ दे जा
नहीं करेगा वो कत्ल माफी मंगने तो बगैर नहीं होएगा। पहला रिलेशनशिप की गल हो रही है, मतलब नहीं मसीहत रिलेशनशिप है। ऐ जे कतल मैं तदी पूछे ना तुम अदकड़ा कि मैं कदे कतल नहीं किया। हाँ मसीह के मुताबिक तो हर जुबान का वार जड़ा कतल है, जुबान के कोड़े कतल ने। नहीं मैं नहीं लिखे देखो, और मसीह साडा मयार की करना चाहता है, तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों फरीसियों से ज्यादा ना हो। अगर तुम्हारी रास्तबाजी सुनो, अगर तुम्हारी रास्ती फकीयों फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुसीं कहने हाथ खड़ा कि आसमान की बादशाही में जाना है, तो फिर इस जिंदगी जरा भर भी बुराई नहीं होनी चाहिए इस दिल। पुराने अहदनामे जंगा ने बहुत सारिया जंगा ने, बादशाह जंगा करते, मूसा जंग करता है, वह मूसा के हथ तां होंदे ने ते फतह पाते हैं, इसराइल थले उतर जाने ते इसराइल वाले हार जाते हैं, फिर किने इधरों फड़िया हाथ, किने उधरों फड़िया हाथ चुके फतह पा ली, कतलो गारत हुई। फिर अगे असी जाके पढ़ने जोशुआ की रहनुमाई यरीहो शहर नू फतह किया, उत्थे मलिया मेट कर दिता, सब बच्चियां नू बच्चियां नू औरतां नू मर्दां नू खान मुकम्मल तौर ते कतल किया गया, मारिया गया। जानवर भी जड़ी चीज सी हर चीज तलब की गई, एक एक चीज। सैमुअल नबी दे जरिए कलाम पहुंचया, शाउल बस अमालीकियां के खिलाफ जंग करनी है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने तबाह करना है, खत्म करना है। शाउल जाता है, जंग करता है, फतह हो जाती है, पर उन्हें बादशाह को बचा रखा। कुछ जानवर भी सैमुअल नबी जाता है तो जानवरों की आवाज़ सुनता है, वो शाउल ये किवें सुन रहे हैं, कुरबानी वास्ते बचाए ने। बादशाह भी बादशाह बचा छड़े कदली, सुनो सैमुअल नबी गजबनाक हों, बहुत गुस्से चाहता है, उस बादशाह के टुकड़े टुकड़े कर दे, अजज बादशाह, अजज बादशाह के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पैगाम की है, पैगाम की है, सारे अज इस रोशनी में लैने ने। वो यरीहो शहर कहड़ा है, अमली कौन है साड़ी जिंदगी च? यरीहो शहर गुनाह नू जाहिर करता है, यरीहो शहर साड़ा बदन है, साड़ी जिंदगी है, इस बदन विच जरा भर भी गुनाह ना होवे। हाँ हाँ खुशी नाल हथ खड़ा, मैं कहड़ा कि कतल किया है, नहीं इरादा कर लिया तो हो गया। बदी सोच ली किसी के बारे च नफरत तो कतल है, कितने कतल असी उस वक्त तो लैके होश जादी संभाली हूँ तक कर सके। असी बड़े अपने आप में समझने, मैं बड़ा ठीक हाँ, बिशप फुलटन शीन वाह वाह क्या बहुत बड़ी हसी हसी। वो जेल च गए, ध्यान ना सुनो बड़ी अच्छी गल, जेल च गए बिशप, अमेरिका के बिशप ने बहुत वड्डे आलम, तो जेल कैदियों नू मिलते ने, कहते ने देर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, यू आर कॉट बट आई एम नॉट कॉट। समझ इको फर्क है मेरे चे, तुसी फड़े गए हो, मैं अजे फड़िया नहीं गया। ये वो हस्तियां ने जो अपने आप को परखते हैं, भी मतलब तुसी भी गुनाहगार हो, मैं भी हाँ, पर फर्क यह है तुसी फड़े गए हो, मैं फड़िया नहीं गया। असा कदे कतल नहीं किया, सवेर तो शाम तक खड़े किन्ना कतल करने से। ए मयार वेखो, असा मयार अपना आम आम बना लिया है, कमांडोस का मयार, उन्होंने मुताबिक जरा भी फैल नहीं सकती कोई चीज़। उस मयार नू समझो रूहानी कमांडोस, मसीह दे शागिर्द। इसलिए मसीहियां दे वास्ते उस वेले जरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे फॉलोअर्स ऑफ द वे लफ्ज इस्तेमाल होया मसीहियां वास्ते, इस उस राह दे उत्ते मसीह ओ राह है, उस राह दे चलन वाले उन्होंने कहा जाता सी मसीही, मसीह दी राह ते चल राह। सेंट अगस्टिन कहता है कि यह मुबारक ए पहाड़ी वाज है, पहाड़ी वाज दे विच ओ सब कुछ है
जिद सू रस्ता मिलता है, रस्ता यसू है। इस पहाड़ी वास सब कुछ है, अमल करो पाक हो जाओगे, पहुँचाओगे। बड़िया बड़िया हस्तियां ने खंगाल के वेखिया ने इन चीज़ों पर अमल किया, हमें नहीं साढ़े वर्गे इंसान सन जंग की है। और दवे यरियो शहर अपना जो जिंदगी साड़ी यरियो शहर है, उस शहर के जरा भी बदी मार के रख दी है, खत्म की है। भी नहीं हाँ मैं तो कदे कतल नहीं किया, नहीं किया है सवेर तो शाम तक। खुदा दे नज़र मसीह के मुताबिक मैं करना, दुनिया के मुताबिक नहीं है। दुनिया की हिकमत एक और आला हिकमत, यसु मसीह कामल करने वास्ते आया, सुपर बनाने वास्ते आया, ग्रेट बनाने वास्ते आया, हसीम बनाने वास्ते आया। सानू कोई गिरा नहीं सकता ऐ मेयार। सो इस वास्ते खुदा दे घर चाहते हो, देखो उस पॉइंट नू बयान करने वास्ते तू कुरबानगाह के पास है। उस जमाने जानवरों दी कुरबानियां सी, तो इमेजिन फर्ज करो कोई जलील तो को आया होया उतों यरूशलम आने, तीन दिन का सफर सी, मतलब तीन दिन आन फिर तीन दिन जान, हफ्ता लग जाता सी। वो जानवर बेचारा उत्थे ही पिया होया, छोड़ के चला जा। मतलब की है उस पॉइंट नू बयान करके इतना जरूरी सी कि तेरी कुरबानी कबूल नहीं, घरां च सुलह, खानदाना च मुहब्बत, हर जगह ते सुलह। दिल च नफरत आए अपने आख फौरी गुस्सा है, आख्या करो स्टॉप। पहला की तुसा आखना है स्टॉप, आखो आई जाने इंसान गुस्से च स्टॉप। उस तो बाद सांस लवो गहरा जहा सांस, फिर उस तो बाद पहचानो उस बीमारी नू, फिर आखो मैं खुदावंद विच आ, मेरी जिंदगी खुदावंदी है, खुदावंद मेरा मरकज है, सीधी खातर है। फौरन फोकस खुदावंद वल करो और तुसी बच जाओगे गुस्से च पागल हो जाने से। अकल भी नहीं काम करती, अखा भी नहीं काम करदिया, कन भी नहीं काम करते, कुछ भी नहीं काम करता। बचो इस बहुत वड्डे गुनाह तो। खुदा सानू अजीम बना, ग्रेट बनाना, हीरोज बनाना चाहता है। तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों फरीसियों से ज्यादा हो, उन्होंने की सी 613 हुक्म सन, 10 हुक्मों के विचों पांच ने 613 बना ले हुए सन। और हर चीज़ लिटरल एक्सटर्नल, लेकिन खुदा उन यीशु अंदर की गल करता है, अंदर अंदर अमल करना पहले अंदर। हाँ जी, क्योंकि अंदर जरा बंदा मजबूत होंगे ना, वो नहीं जी, वह नहीं जी डिग सकता, अंदरों मजबूत होना। असं तो कहने बस मैं कि कतल किया इस वास्ते तो हाथ कड़ा किते नहीं, अंदर दिल में जरा भी बुराई ना हो, दिल को साफ करना, पाक करना। सर्जरी करो, इसलिए सर्जरी सीरियस लैना इस मसले को, पहुँचना असं बहिश्त पहुँचना, मुकद्दस बनना है। पर ए मियार है, किसी भी इंस्टीट्यूट दाखला लेना है तो मियार है, उत्थे मियार पूरा करोगे तो पहुँचोगे। ठीक, उस ते जाना असा कमांडोज बनना, रूहानी कमांडोज बनना है। जी जी, जंग करनी है तुहाडी जिंदगी, फर्ज करो यरियो शहर बन गया, हर चीज़ में खुदा ने जंग करने वास्ते भेजा, हर चीज़ में एक एक कट कट के बाहर सुटो, कत्ल करो उन, कट दे बाहर, अपनी जिंदगी नू साफ करो। अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं जो अपने भाई को राका कहे, अहमक कहे, सजा का हकदार है अदालत, और तू कोड़ी कोड़ी जब तक अदा नहीं करेगा नहीं छोटी। वो क्यों ना सी उत्थे जान तो पहले इत्थे सैटल कर लिए, इस दुनिया ते सैटल कर लिए, उत्थे जान बिल्कुल पाक हो जाइए, बिल्कुल पाक हो जाइए। जदों खुदा सानू बुलाए, मेरी जिंदगी कोई ऐसा शख्स नहीं जिदे नाल मेरी नाराजगी है, कोई ऐसा शख्स नहीं जिदे नाल मेरी दुश्मनी है, ऐ साफ करना। क्योंकि उस कतल तो खुदावंद ही सानू रहम कर सकता है, माफ़ी दे सकता है। इन्हें सीरीयस नहीं लेंदे दरअसल ना, सीरीयस नहीं लेंदे, पर खुदा की नज़र च बहुत सीरीयस है। इसलिए उन्हें एग्जैजोरेट करके मिसाल दी है, उत्थे छड़ दे कुरबान, पहले जा सुलह कर जाके। किन्ने कोशिश असी करनी अपने घरां च भैन भरावां नाल एक दूजे नाल सुलह की गल करने की, सलामती की गल करने की। मसीहत ऐ जे मसीहत ये नहीं है
बस नहीं दुआ भी करनी है, क्यों नहीं, पर दुआ दे रही है, खुदा सानू फजल देंदा है, ठीक है। सैक्रामेंट सानू पाक करने वास्ते ने, सैक्रामेंट है ही पाक करने वास्ते ने, हर सैक्रामेंट दी जे फजल मिलता है सानू, इसलिए कलीसिया ने सैक्रामेंट खुदा उन्दे असी सैलीब्रेट करने हैं। पाक मास होई इतराफ दा सैक्रामेंट, अगर महसूस करते हो हाँ नहीं मैं ये किया बुरा भल आख्या, इतराफ करना है, क्यों नहीं, खुदा फजल देंदा है, माफ करता है, फिर उत्थे सजा नहीं मिलेगी। इस दुनिया के उत्ते ही असं क्लीयर करके जाना, उत्थे सजा नहीं, अगर नहीं करके जाएंगे तो जरूर उसकी सजा है, क्योंकि कतल है, किसी को बुरा भला कहना खुदा की नज़र, मसीह की नज़र कतल है। आमीन हालेलुया। किन्ना नूं समझ आई इस गल की? ओके, हुण अगे चलीए दूसरे, अज तीन गल्लां दे बारे च खुदावन समझा दिन। दूसरी गल तुम सुन चुके हो कि कहा गया था तू जिना मत कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। और किन्ने के जिना कर चुके सी, इसके मुताबिक, एदे मुताबिक मसीह की तालीम के मुताबिक, अरे किन्ने के जना कर चुके सी, किन्ने के शहवत के नाल असी वेखने लोगों जी हाँ, किन्नी पोर्नोग्राफी हुई है, पोर्नोग्राफी जिनाकारी है, और भी जो नौजवान करते हैं तुम पता जो कुछ करते हो, तुम किन्ने के जिनाकारी सीख रहे हो, हम आप पूछागा किन्ने जिनाकार पढ़ूंगा कि मैं कदे नहीं किया, लेकिन ये सब जिनाकारी है, किसी को शहवत की नज़र नाल वेखना जी हाँ। फौरन असी अपने दिल से कहने मैं कदे किया कि जना, लेकिन खुदावन यसू के पैरोकार सी, उहदे रस्ते ते चलन वाले हाँ, उन्हां दी नज़र की होनी चाहिए है, पाकीज़गी की नज़र। तिमोथाओस दे नाम खत, दूसरा तिमोथाओस, सुनो की रिश्ता साडा एक दूजे दे नाल, आमीन हालेलुया। सीरियस होवो, अज काफ़ी सर्जरी करांगा तुहाडी, एवें ही ना समझो, एवें जिंदगी ना गुजारो, एवें ना वक्त ज़ाया करो जी हाँ। सीरियस होना है, इस बदन विच जंग करनी है असां जी हाँ। तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों फरीसियों से ज्यादा ना हो तो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया आमीन। किन्ना नूं समझ आ रही इस गल की? इस गल के उत्ते ज्यादा मैं तशरीह करांगा, फिर अगर तीसरा पॉइंट उत्ते थोड़ा जिहा मुक्त से पंजवां बाप है, पहला तिमोथाओस पंजवां बाप उहदी पहली ते दूसरी आयत सुनो। इतों रोशनी मिलनी है, फिल्मों वालों को नहीं और ड्रामिया को नहीं, दुनिया को नहीं, ये हिकमत असं सुनी, हिकमत उत्तों आती है, पूरे सरार हिकमत है। ये जमीन तो लभोगे तबाह हो जाओगे, जमीनी हो जाओगे, है हिकमत है की है। खुदा दा कलाम कहिंदा है, खुदा दे बंदे पौलुस रसूल दे जरिए पैगाम पहुंच, किसी उम्र रसीदा को मलामत ना कर बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, जवानों को भाई जानकर, जवानों को बूढ़ियों को माँ जानकर, बूढ़ियों को और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, आखो जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से, कहिए कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। ये बेहतरीन है जे खुदा दी हिकमत, मसीही महल्ले च मसीही कलोनिया च अगर एक कली बेटी जाए महफूस नहीं। दूजे की गल, मसीही महल्या विच मसीही कलोनिया विच कली बेटी चली जाए छिड़िया जाएगा, कली महफूस नहीं। मसीही महल्या विच कहेंगे जी असी क्रिश्चन हाँ, कदे हो तुसां ने इस जिंदगी के उत्ते फतह ही नहीं पाई। और सुनो, जानवरों में कोई रिश्तेदारी नहीं होंगी, कुत्ते दे बच्चे वेखो, वो बच्चे उही जवान होंदे ने
वो इहदा बाप हुंदा अगे उन्हां बच्चों के नाल ही। जानवरों से कोई शनाख्त नहीं है, जानवरों से कोई कोई अच्छे बुरे की शनाख्त नहीं है। जंगल चीता चीर फाड़ करता है, वो जानवर है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो अपने पैशन जज्बात इंस्टिंक्ट दे नाल चलता है, वो अपने आप को कर ही नहीं सकता। जिहड़े बंदे इस लैवल दे उत्ते जानवर वाली जिंदगी गुजारते ने, वह समझो उस इंस्टिंक्ट जिबलत काम कर रहे हैं, पर असी खुदा ने साडे च जिंदगी का दम फूकिया, असी फर्क हो गए। वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सेल्स, वी कैन चेंज। रूल को दस दिता गया खुदा का रूह सर, असी चेंज कर सकते हैं हालात, उस चो निकल सकते हैं, जानवर नहीं निकल सकते। तो जो उत्थे रहना चाहते हो तो फिर जानवर ही असी उस लैवल। ये बड़ी लो क्वालिटी की जिंदगी हो। सुनो, शादी एक नाल होनी है, सारे नाल शादी नहीं हो सकती। अपने आप नू हमेशा शादी के लिए तैयार करना है, ताकि तुसी अपने खानदान नू बना सको। अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत, अपनी अखां, अपने अल्फाज, सब कुछ अपने खानदान वास्ते रिजर्व कर छोड़ो, फिर खानदान कामयाब होंगे। तो जे पहला ही सब कुछ कर कुर लेंदे हो तादी ते तलाकां ने बुरी नज़र नाल वेखना, कहना कि सारे नाल तो नहीं ब्याह हो सकता तुहाडा। अपनी जिंदगी दे साथी नाल ओही जिहड़ा जिंदगी दा साथी तुहानूं दित्ता है, शौहर बीवी, वह सब तो अच्छा है, सब तो खूबसूरत। दुनिया तो उस जैसा खूबसूरत मर्द नहीं, दुनिया तो उस ज्यादा जैसी खूबसूरत औरत नहीं, क्योंकि खुदा ने दिती है, इसलिए सब तो खूबसूरत है, उस तो घट नहीं। खुदा ने दिती औरत तो, इसलिए खुदा बेस्ट देंदा है। नहीं वो हो जाता व्यर्थ, नहीं यह वजह है तलाकों की। क्यों? असी दूसरे को पाकीजगी की नज़र नाल नहीं वेखते, शैतानी नज़र नाल वेखते। तो फिर तुम अपने जोड़े शादीशुदा ने वो भी मत समझो महफूज नहीं है गए, जो तुम अपने घर च अपने साथी नाल वफादार नहीं, तो फिर समझो खतरनाक, तुहाडा खानदान टुट जाएगा, कायम नहीं रह सकता। मुँह अड के फिरते रहोगे बाद च। इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं है। जी हाँ, खुदा ने खुद जोड़िया सानू, उहदा मनसूबा है। इस तो बार नहीं चलना है जे कमांडोस, है जे सुपर जिंदगी, है जे मुकद्दसां दी जिंदगी। अपने अंदर चीर फाड़ करो, उसनु कट दियो। उन लफ्जी मतलब नहीं लेना, मतलब के उस हर ख्वाहिश नू और अस नजर नू और सिम नू बंद कर दियो, उस मोबाइल नू तोड़ दियो, पोर्नोग्राफी उस मोबाइल नू तोड़ दियो, बच जाओ। बाकी इसकी दी जिंदगी मुकद्दसां दी जिंदगी वास्ते साडा ये मियार है। वेखो, बुढ़ियों को मां जानकर, जवानों को बहन जानकर, देखो घर च बाप अपने बेटी नाल भी सुता हुंदा है, नीयत दिल साफ। कभी सोच नहीं सकता बंदा, भैन भरा कट्ठे सुते हुंदे ने, कोई सोच नहीं सकता। जिथे बुरी नज़र आ गई उत्थे तुसी शैतान दे कब्जे च आ गए। जी हाँ, ऐ जे खुदावन अगलों से कहा गया था तो जिना मत कर, लेकिन जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे वो अपने दिल ही में उसके साथ जिना कर चुका। खरे किन्ने के जिना कर चुके हूँ। ऐ जे रोशनी, रोशनी जो गुनाह नजर आते अपना अपना मयार असी अपना बना लेने, पर खुदा जड़ा मयार देंदा है वो दावन की कह रहे मसीह दे पैर। कोई है ना इतने मसीह दे पैरोकार बैठे, हाथ खड़ा करो जो मसीह दे पैरोकार ने, उच्चा हाथ करो। तो फिर ए जे किसी नू, किसी बेटी नू, किसी जवान औरत नू, किसी नू शहवत की नज़र नाल वेखना जिनाकारी है। इस तरह लड़कियां भी बुरी नज़र नाल लड़कियां नू वेखना जिनाकारी है, उहदी सज़ा है। क्योंकि असी जानवर नहीं, उन्हां च रिश्ते नहीं है, साडे च रिश्ते ने। माँ बाप का एक अपना रुतबा है, बाप का अपना रुतबा है, भैन भरावां का एक रुतबा है। हाँ जी, ये इंसान पहचान सकता है, इंसान चेंज हो सकता है, क्योंकि खुदा ने सानू अपनी शक्ल ते सूरत बनाया। जानवर नहीं रहन देता, अपना दम फूंकिया है। आदम जीती जान हुआ मिट्टी तो। सो
फैसला करने की कड़ी है। पाक हो, तुम पाक हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है, तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। हर एक उस नजर नु कट दिए, हर एक उस ख्वाहिश नु कट दिए। इसलिए मैं मसीही महल्या की मिसाल दिती है, दूजियां दी गल नहीं मैं करता। अगर असीं मसीह नु मनन वाले आ, कोई बेटी कली भी चले जाए महफूज होने, लेकिन नहीं महफूज, नहीं महफूज। मैनू किसी जे आके आके जे साडे बच्चे उत्थे कलियां जा रही साडियां बेटियां नु है, क्रिश्चन मुंडिया ने बड़ा तंग किया। क्यों? यो वजह है कि असी अपना मयार खो बैठे। ये जानवरों का मयार है, ये बड़ी घटिया सोच है, सोच ये दुनिया की हिकमत है, खुदा की हिकमत हो जिसम तो उत्ते वी कैन ट्रांसेंड उत्ते है सभी और माले माला मयार है, रूहानी कमांडोज बनना है। हालेलुया। इसलिए हर किसी जेड़े भी है प्रोनोग्राफी करते ने दना करी है, याद रखो जी हाँ, बहुत करते हैं नौजवान जी हाँ। अजकल तो हर चीज नैट पर सब कुछ लग जाता है, वो इस वास्ते फोन रखे ने और दिन रात कोने च बैठ रखे, जिते रात भी रखे फोन के उत्ते लगे होंगे, बहुत यह भी चस्का जे। यो वजह है ये नौजवान अपने खानदानी जिंदगी लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते। और वजह की होंगी है तलाकों की, मेन वजह सब तो वजह ही यह है, क्योंकि तुसी अपने साथी दे नाल जिहड़ा तुहाडा होने वाला साथी है, जदों भी शादी होनी है उही खुदा ने तुहाडी जिंदगी च रखी है, उहदे लई अपने आप को तैयार करना। लड़की होवे लड़का होवे, साड़ी एनर्जी सारी तवज्जो उहदे वास्ते, क्योंकि तुसां खानदान बनाना। खानदान नहीं बन सकदे इस तरां, नहीं बन सकदे, टुटदी टुटदी। अपने जिंदगी दे साथी नाल खुश हो, खुदा ने तुहानू जिहड़ा भी दिता है बेस्ट दिता है। खुदा दा मनसूबा ना कोई होर आना सी, उहनू ही कबूल करना, उहदे नाल जिंदगी। जिहड़े कुंवारे ने उह भी जिन्हां दी शादी होण वाली है, खुदा ने तुहाडे लई रख्या, छुपा के रख्या, वक्त आएगा जाहिर करेगा, पर अपने आप नू तैयार हमेशा याद करना अपने आप नू। जो भी अगर स्टडी भी करते हो, गलत रिलेशनशिप ना डिवेलप करो, गुनाह वल ना जाओ जी हाँ। खास तौर पर साढ़े बेटे बेटियां फर्क फर्क डिपार्टमेंट जोड़े काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट भी हो अपने आप को मजबूत करना है। नहीं मैं हीरो कमांडो, रूहानियत का कमांडो है मैं, तो खुदा ने मैनू भेजे, मैनू कोई गिरा नहीं सकता। रूहानी अंदरों मजबूत होना है, अंदरों मजबूत होना है, जिते मर्जी काम करो रूहानी फिर तो। जोड़ा बंदा अंदरों कमजोर होंगे ना, वो खतरे च रहा जी, बहुत खतरनाक है। सो यही पैगाम ये दे रहे, बार बार अंदर अपने आप को पाकिजगी नाल पढ़ लो। नहीं मैं रिजर्व हाँ खुदाबंद वास्ते, और रिजर्व है उस औरत वास्ते या उस मर्द वास्ते जड़ा खुदा ने मेरे वास्ते रखे है। रिजर्व कर लो अपने आप को, नहीं जिहड़ी चीज़ रिजर्व होंदी उत्थे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ठीक है ही शादीशुदा जिंदगी वो भी रिजर्व हो गए, जिहड़े कुंवारे ने वो भी रिजर्व ने, खुदा ने तुहाडे लई रखी है, बेटी बेटा जिहड़ा भी रखे है। किन्हां नूं समझ आ रही है, कोई समझ भी आ रही है कि नहीं, मैं एवें रौला पा रहे हैं समझो। बहुत सारिया तलाकां खत्म हो जाएगियां, बुनियादी वजह यह जी, यह वजह बहुत है। हाँ जी किन्ने किन्ने साल शादीशुदा हो गया बंदा किसी होर दे नाल, अफसोस की गल है। और कहना अपने आप मसीह और दो बुटियां करनिया तो मूँह अड्डना दोनों पक्ष रख लैन वास्ते। पक्ष रख दे खुदा का मस्कन बन जाने, याद रखो। हाँ जी पाक संदूक बन जाने, किस तरह हो सकता है इन्नी शहवत प्रस्ती, क्योंकि असी जंग करना नहीं सीखी। इस यरियो शहर नूं तबाह करना है, तबाह करना इस दे विच, इस दे अंदर जंग। पैगाम यह है पुराने अहदनामे जिहड़ियां जंगां ने, पैगाम यह है यरियो शहर तुहाड़ा जिंदगी है, उहदे अंदर जरा भर भी बुराई नहीं। उहनूं जंग करना, मार देना, खत्म कर देना, टोटली खत्म कर देना। 100% खुदा दे हो जाइए, कामल हो जाइए, पाक हो जाइए। मुबारक हो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे, मुबारक है वो जो पाक दिल है।
इस वास्ते जे रस्ता रूहानियत दा इस तो घट मियार ना रखो। सुनो एक दफा का जिक्र है कि एक शेरनी बच्चे देंदे देंदी वह मर गई ते कब उहदा एक शेरनी का बच्चा ते ओ जी उधरों भेडां दे नाल रल गया वह भेडां नाल शेर ने बच्चा शेर सी वह भेडा नाल रहना शुरू कर दिता उन्हें ते जो भेडा घा खादियां सी वह भी घा खांदा सी जिस तरह भेडा ने चलना उस तरह उन्हें चलना वो जी उस तरह भेड़ ही बन गया बुढ़ा हो गया उस वाग ही भेड़ वाग ही उन्हें घा खाना है वह शेर सी शनाख्त खो बैठा शनाख्त खो बैठा। एक दिन उधरों शेर आ गया उन्हें आखे भाई वे तो मेरा ही भरा है ये तो शेर है पर यह भेड़ा च की कर रहा है उन्हें वेख्या घा खाई जा रहा वो क्या तू भेड़ नहीं तू शेर है। लो जी उन्हू लै गो मने नाने जी नहीं मैं नहीं शेर भेड़ ही हाँ वह कहता जिन्ना च रहना तू भेड़ा च रहना तो भेड़ ही बनना हो की है लै गया उन्हू दबा दब उत्थे दरिया के किनारे आख्या वेख मेरे हल वेख से अपने हल वेख देख असी एक जैसे हाँ अपनी शनाख्त कर। लो जी उन्हें वेख्या हाँ उहदी शनाख्त वापस आई कि वह शेर है जंगल दे विच धाड़िया खूब और फिर चला जाता जंगल च उन्हां नाल रहिंदा। सुनो असी बहुत सारिया भेडा नाल रह रहे कि उंज दे हो गया है उस तो उत्ते सोच दिता दी मैं पुछना कि इन्हें कतल तो नहीं किया कतल भी किए ने बड़े यह भी बड़ा काम किया स और खुदा की नज़र च गुनाहगार ठहरे पर इलाज किया खुदावंद ने उस गुनाहगार औरत नूं हरेक किन्ने गुनाह सी मत्ती रसूल हरेक किड्डा वड्डा गुनाहगार सी ना उम्मीद नहीं होना डिस्करेज नहीं होना गुनाह होया पर खुदा है जिहड़ा इंसान बन गया सानू छुड़ाउण वास्ते आ गया माफ़ी उहदे नाम तो है। उस गुनाहगार औरत ने कहा बेटी तेरे गुनाह माफ है जिन्हें आंसू बहाए आंसू बहाना सीखो अपने गुनाहों पर असी क्योंकि पहचानते नहीं जिहड़ा बंदा पहचानता अपने गुनाह नूं उह ही रोंदा जे जिहड़ा नहीं पहचानता वह नहीं जो रोंदा आंसू एवं नहीं आते रोंदी है बाल ना पूंछती है मसीह के पैर नूं छुमदी है ऐ जे रहम ऐ जे आंसू अपने गुनाहों पर बहाया करो और खुदा दे घर च सीरियस होया करो एंटरटेनमेंट में नहीं आते बल्कि ऑपरेशन करा आने असी इतने ऑपरेशन होंगे सर्जरी होंगी है कांट छांट होंगी है किस किस्म की नज़र है साड़ी किस किस्म की सोच है खुदा दे घर च असी तब्दील होने ट्रांसफॉर्म होने आने असा मयार ही बड़ा घटिया करता हाँ एक दूजे को मिलना दे तो मकसद नहीं अगे इबादत का घरों ही चलने असा मैं फलां सहेली मिलेंगी उदो वेखा उन्हें कि रंग का सूट पाया किस किस्म का मेकअप किया शुरू तो सोच ही साड़ी यही है। कई बच्चे मैं दसते मैं पुत्र कद ली आते हो कई मैं सीक्रेट बच्चे दसते फादर जी असं इस वास्ते आए थे इसलिए मैं कई चीज़ों का पता है मेकअप वेखन आते सूट वेखन दे आते खुदा नूं मिलन आंदे आ ट्रांसफॉर्म होण लई आंदे आ पहचान लैणे रोशनी वल आंदे आ खुदा वल आना रोशनी वल आना तब्दील होने इसलिए असी खुदा दे घर खुदा नूं मिल इस तो घट सोचना तुहाडी होए उन्हें रहम मंगिया मत्ती वेखो जिहदी अंजील असी इस साल पढ़ रहे हां मसीह ने आखिया मेरे पीछे हो ले जियां खुदा सानूं उस गंदगी चो कढदा है यरीहो शहर चो उस अंधे नूं भी कढ़िया सानूं कढदा है सानू अपनी शागिर्दी च बुलाता पत्ती मत्ती जिहड़ा शागिर्द बनता है सीधा उस राह के उत्ते चलता है रसूल बनता है पर एक चीज़ नहीं उन्हें छड़ी कलम नहीं छड़िया अपना हाँ असी जदों कई चीज़ अच्छी चीज़ा भी छड़ी अच्छी चीज़ कलम नहीं छड़िया उन्हें अपने कलम के नाल अंजील लिखी जिहड़ी अज पढ़ रहे हैं ते मसीह दे आन तक पढ़ी जाएगी। इस मत्ती ने अच्छा फैसला किया और उहदे इस फैसले नाल कितनियां नस्लां बचियां जिहड़े अच्छे फैसले नहीं करते उन्हां दे गलत फैसले कितनियां नस्लां तबाह हो जांदियां ने। ते अज पहली तलावत विच है कि जिंदगी और मौत तेरे हाथ में रखता हूँ जिहदी मर्जी चुन लै मौत नूं चुनना है कि जिंदगी नूं चुनिए जिंदगी यस्सू है
उस राह ते चलांगे ते उत्थे पहुंचांगे, और कोई तरीका नहीं है। वो कोई होंदा तरीका ते मैं तुहानूं दसदा, एवें तरीका जे इस ते चलोगे ते अरशां दे वारस बनोगे, मुकद्दस होवोगे, पाक होवोगे। हैलेलुया, हैलेलुया। हाँ जी, ताली बजाइए सुना तो कोरस गाइए असीं। हाँ जी, अपना माइक थोड़ा जिहा घटाना है, सहारा दिया। ओके तेरा शुक्र होए खुदा बंद खुदा, तेरा शुक्र होए खुदा बंद खुदा, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, मुझे आग पानी पे मलका दिया, बोलो, मुझे आग पानी पे मलका दिया, मैं बेपर था शाह पर मुझे कर दिया, मैं बेपर था शाह पर मुझे कर दिया, मुझे प्यार से आशना कर दिया, बोलो, मुझे प्यार से आशना कर दिया, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, जीवन के चश्मों से पानी दिया, बाबा, जीवन के चश्मों से पानी दिया, पग सफर आसमानी दिया, फिर एक आसमानी दिया, वाह, मैं जब भी उड़ा तेरी जान बुड़ा, मैं जब भी उड़ा तेरी जान बुड़ा, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, बाबा, सहारा दिया, तुसी भी गा दिया, सहारा, सब साले, सहारा दिया, सहारा दिया, ताकत नाल, सहारा दिया, सहारा दिया, तेरा शुक्र होए खुदा बंद खुदा, बोलो, तेरा शुक्र होए खुदा बंद खुदा, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया, तेरा शुक्र होए खुदा बंद खुदा, बोलो, तेरा शुक्र होए खुदा बंद खुदा, मुझे तूने हर पल सहारा दिया, मुझे तूने हर पल सहारा दिया। हालेलुया, ताली बजाओ खुदावंद के नाते, हालेलुया। तुहानूं दस्सिया ना तुहाडी सर्जरी करन, सर्जरी करना चाहिए अज तुहाडी। हाँ जी, हालेलुया। अज सर्जरी दा ही जिक्र इत्थे वेखो, दानी आंख ठोकर खिलाए तुसे काट टल निकाल दे, अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे जामे से एक का जाता रहना तेरे लिए जरूरी, तेरे लिए से बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ ठोकर का
ठोकर खिलाया तो इसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अजा में से एक का जाता रहना तेरे लिए से बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। सो पाकीज़गी, पाक होना, मुकद्दस होना, बहिश्त जाना। वो बदन, वो बाजू कौन उसकी हो सकता है, वो अख की हो सकता है? हो सकता तो इलम होवे, वो इलम तो बदी वाल लैके जा रहा है, इलम छोड़ दो। हो सकता तो फनकारी होवे, फन होवे, उस फन की वजह ना अगर तुसी दोजख से जा रहे हो, छोड़ दो उस फन नू। अगर कोई ऐसा जॉब है, नौकरी ऐसी जिदी वजह ना तुसी दोजख से जा रहे हो, छोड़ दो उस नौकरी नू। अगर तुहाडा भैन भरा जिहड़ा सानू दोजख विच लैके जा रहा, छोड़ दो उनू। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, उस दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास ले गया, लगाया गया, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते, हर वक्त फल देता है। जी हाँ, वो केड़ा बाजू है, केड़ी अख है? हो सकता थोड़ा ओहदा हो, छड़ दो उस ओहदे, छड़ दो। सर्जरी करनी है, ऐ हाथ पैर कटना, लफ्जी मतलब नहीं, लफ्जी मतलब नहीं लेना, ये मतलब। हाँ जी, ऐसियाँ हस्तियाँ हैं, सब छोड़ देता। सेंट एंथनी, डेजर्ट फादर्स, जिन्हें डेजर्ट फादर्स शुरू किए, उदी दौलत ठोकर दबा, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ छोड़ देता। बहुत अमीर आदमी से सारी जायदाद, ये मैंने दोजख पर लेके छोड़ देती। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, सब कुछ छोड़ता है, क्योंकि जो कपड़े पहने वो माँ बाप ने शिकायत की लोकल बिशप साहब अगे, चौक दे विच बहुत लोग खड़े सन, तो उन्हें कहा अलग कपड़े जड़े मैं पाए ने, ये भी पढ़ लें, तो खुदा दी आवाज़। सेंट डोमिनिक, एक और बड़ी सॉरी, सेंट थॉमस अक्वाइनस, वो दे भी माँ बाप ने बहुत खिच खिच के तो हैबिट खिच खिच पढ़ते, एक साल उन्होंने बंद कर रखे कि नहीं, खुदा दी आवाज़ से जिसम दियाँ ख्वाहिशों तो वो अख कर दी, वो बाजू कर दिता उन्हें। असी ये फैसले नहीं ना करते, असं भाजी साढ़े लिए दुआ ही करो, साढ़े लिए दुआ करो बस। नहीं, तुसी सारे बुलाए गए हो सूरमा होने वास्ते, तुसी सारे शेर हो, मुकद्दस हो, कमांडो यसू दे रूहानी कमांडो, जिसमानी तौर पर असं भज भजन रूह की गल हो रही, ये हिकमत दी गल ने। मियार अपना जिसमानी ना जानवर वाला मियार ना रखो, उन्होंने कोई रिश्तेदारी नहीं दी जानवरों की, साड़ी रिश्तेदारी है, भैन भरा ने, मां बाप ने, रिश्ते नाते ने, इंसानों के रिश्ते नाते, जानवरों के नहीं होते। ये हूँ जो नहीं रिश्ते नाते पहचान समझो जानवरी, जानवरी है। सानू खुदा ने जानवर नहीं रहन दिता, खुदा का शुक्र, अपना दम अपनी जिंदगी पौंकी, क्योंकि असी पहचानते नहीं असी कौन है दरअसल, असी अपनी आइडेंटिटी शनाख्त खो चुके हैं, जिन्ना च रहने उन्ना वर्गे हो जाए। और कहने सारे ये कर रहे ने इसलिए ठीक होएगा, यो ही मैं आ रहा ना, सारे ये कर रहे ने, सारिया भेडा भेडा दे नाल वो शेर भी घा खा रहे, सारे घा खा रहे ने, इस वास्ते ठीक है घा खाना, पर शेर की खुराक घा नहीं है। तुसी शेर हो, चन्न तारे हो, मां मरियम की चुन्नी दे तारे हो, बड़ा रुतबा है थोड़ा। आमीन, हालेलुया। ओके, इन्ना काफ़ी है, अगला हूँ आखिरी पॉइंट करके तो खत्म करना, थकते नहीं गए हो? फिर तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावन के लिए पूरी कर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हरगिज कसम ना खाना, ना आसमान की, ना जमीन की, ना यरूशलम शहर की मतलब हूँ ध्यान ना करो, जब असी रूल कुदस साडे विच आंदा है साडी गुफ्तगू, असी फिर सच्चाई की गल करने, जिहड़ी जबान मूह कर दिती है वही है, उत्ते बस वही है, भावें कतल हो जाइए, भावें मार दे सानू, अगर हाँ कर दिती है तो फिर हाँ ही है, तो ना कर दिती है तो ना ही है। इस वास्ते कसम फटवाण की जरूरत नहीं रहती, तुहाडी जिंदगी जदों इस मियार दे उत्ते कसम की जरूरत ही नहीं रहती। ऐ खुदावंद कह रहे हैं सच्चाई की जिंदगी गुजारो, तुहाडे लफ्जों च वजन होए। कई लोग इधरों वादा करके इधर मनुकर हो जाते हैं, असं कहने यार तेरे तो इतवार ही नहीं, फिर वो की करता है इतवार जमाने वास्ते बाइबल ते हथ रखेगा, होर कसम खाएगा।
इस वजह ना लोग कसम चुकते हैं कि उन्हों की जिंदगी का म्यार ही कोई नहीं हुंदा। वादा करते हैं जी हाँ मैं ये काम करांगा, खुदा दी राह ते चलांगा, ठीक है वो पता नहीं। फिर कहने जी मैं कसम खाना कि मैंने, क्योंकि उन्होंने जबान ते इतबार नहीं है। देखो ये जरा पाक निकाह दा सैक्रामेंट, इन सैक्रामेंट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जोड़े ने तोड़ दिते जाते हैं, अहद नहीं, कविनेंट सैक्रामेंट नहीं टुट सकता। और दोनों बाइबल दे उत्ते हाथ रख के यानी खुदा दे नाल वादा करते हैं, खुदा दे नाल दोने वादा, दोनों का वादा खुदा दे नाल, दोए इकट्ठे मिल के है, अलग अलग नहीं, दोए इकट्ठे खुदा उन्हों नू जोड़ रहा है, दोए इकट्ठे मिल के खुदा दे नाल वादा करते हैं। हर दुख विच, बीमारी विच, हर हालत विच तेरा वफादार शौहर रहूँगा, तेरी वफादार बीवी रहूँगी, उस अहद दे उत्ते निभाना है उस अहद नू। उस तो अलावा भी है, देखो फादर्स बनते हैं, सिस्टर्स बनते हैं, असी भी अहद करने हैं, असी भी अहद करने हैं, और उस अहद नू असां निभाना है। तुहाडा खानदानी जिंदगी बनाने का अहद है, तुहाडा बुलावा खानदान वास्ते है, साडा बुलावा कहानत वास्ते है। और इस तो अलावा जिहड़ा कोई खास मिशन तुसी शुरू करते हो, उस मिशन के उत्ते तुसी वादा करते हो, मिसाल तौर पर फॉलोअर्स ऑफ द वे कम्यूनिटी साड़ी, और कई ने मसा किया गया, फिर तेल मल लगाया गया, और जो तुसा खुदा दे नाल वादा किया खुदा की हजूरी कि असी इस कम्यूनिटी के चलांगे, ये साड़ी कम्यूनिटी है, हुण भावें हर हालत में भावें कुछ भी हो, खुदा की ताबेदारी चलदियां होया इस कम्यूनिटी के नाल चलांगे। असी खुदा नाल तुहाडा वादा किया, किसी इंसान नाल नहीं, इसलिए वादा नहीं टुट तोड़ सकता, कॉन्ट्रैक्ट टुट सकता है, ये वादा नहीं टुट सकता। फिर तेल ला के मसा किया गया और उहदे विच कायम रहना, पिछे नहीं हटना, भावें मुश्किल ने, क्योंकि वह खुदा ने तुहानू बुलाया है, वह तुहाडा बुलावा है, उहदे जरिए खुदा ने तुहाडे जरिए बहुत सारा काम करना है, क्यों प्रायोरिटी देनी है। फिर जदों वादा कर लिया, ये तो मतलब खुदा की आवाज़ तो सा सुनी, जो वादा कितो खुदा की आवाज़ तो बगैर कोई वादा नहीं है, ठीक है, ये वोकेशन है, ये बुलावा है, खुदा की आवाज़ तो सा सुनी है, यू बुलावा कहते हैं, खुदा की आवाज़ सुनना, किसी इंसान की आवाज़ नहीं, तो दुआ की है किन्नी किन्नी देर दुआ च ठहरे रहे, खुदा की आवाज़ सुनी, फिर तुसा वादा किया, तो इस अहद नू, इस वादे नू रिन्यू करिए, पूरा करिए, उहदे विच चलदे रहिए, खुदा तुहाडा इंतजार करता है। जी शैतान नहीं चाहता तुसी कि असी वादा खिलाफी, शैतान तो चाहता वादा खिलाफी करिए, सौ रुकावट उसके खिलाफ पाँदा, इसलिए अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ घटाओ, खुदा वल आओ, जड़े जड़े नहीं आ रहे कम्यूनिटी प्रेयर वास्ते भी, जड़े जड़े भी नहीं आ रहे, छड़ के आना है खुदा वल, खुदा का बुलावा, खुदा की आवाज़, किसी इंसान की नहीं, खुदा की आवाज़ सुनो, जिहड़े नहीं आ रहे कल्या शख्सी तौर पर खुदा नूं पुछो कि आ तुहाडा बुलावा वाकई है सी, ते तुसा हाँ कीती, अगर ते फिर कीती हाँ, ते फिर भाएं कुछ भी हो जाए उहदे ते असां चलना है, उस दे ते कायम रहना है, कि खुदा ने सानूं पुछना है, खुदा दे नाल जिहड़ा भी वादा कीता उहने निभाउणा, किसी इंसान दे वास्ते नहीं। आमीन, हालेलुया। मतलब की है फिर तुम्हारी हाँ हाँ नहीं, उत्थे हाँ है ते फिर हाँ है, असां भी 35 साल पहला हाँ कीती हुई है तो फिर हाँ ही है, फिर आमीन, ओ फिर नहीं नहीं हो सकती है, तुसा भी कीती है अपने साथी नाल जिंदगी गुजारन वास्ते, ओ फिर हाँ ही है, ओ ना नहीं हो सकती। इसे तरी ए जिंदगी वास्ते भी तुसा हाँ कीती है, ओ फिर हाँ ही है, ओ ना नहीं हो सकती, आमीन। सो हुण असी रूल कुदस दा कोरस गाइए, खुदा दा रहम मंगिए, किथे किथे असा कतल किया, किते किते जना किया, किते किते असां वादे नू तोड़िया, फसल भी है खुदा फसल देंदा है, क्यों सी खाकी इंसान आ गिरने, लेकिन खुदा पाकरू सानू देंदा है, खुदा रहम करदा है, माफ़ भी करदा है, ते खुदा फसल भी देंदा है। असी अखां बंद करिए ते फिर असी मेहरबानी करके खड़े हो जाइए, शाबाश खड़े हो जाओ, अखां बंद करनिया ने ते हाथ खोलने ने सब ने, हाँ।
हुन रूहुल कुद्दस मंगना है, अखा बंद कर। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। थोड़ी बारी है। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। आखो। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। आपकी बारी शब। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस। अपने आप को ढेल दें खुदा के जुर। उस गुनाहगार औरत को देखिए कैसे आंसुओं से उसने खुदा के हजूर अपने जाके आंसू बहाए। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। बोलो। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में। पीछे गाना भी सुनिए। चलने में आ, रुकने में आ। गाइए। खाने में आ, पीने में आ, खाने में आ, पीने में आ। रूहुल कुद्दस दिल में आ। बोलो। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में। पढ़ के जरा। रूहुल कुद्दस ताकत ना। दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। देखने में आ, छूने में आ। वाह। देखने में आ, छूने में आ, सोचने में आ, बोलने में आ, सोचने में आ, बोलने में आ। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ। बोलो। रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आ, रूहुल कुद्दस दिल में आइए। एक एक गुनाह भी खुदा के सामने रखें, स्लीप के नीचे हर एक गुनाह को। अगर जिनाकारी है, अगर खून है, जो जिस तो कलाम के मुताबिक खुदावंद के सामने रखें ज़रूर, और इस कोरस के दौरान फिर सामने रखें और पाक रूह को मांगे। पाक रूह हमें पाक करता है, पाक रूह का फसल हमें दिया जाता है। रूहुल कुद्दस इसे दिया गया, पाक करता है गुनाहों की माफ़ी के लिए। रूहुल कुद्दस बख्शा गया। रूहुल कुद्दस दिल में। अपने आप को ढेल दे उस औरत की तरह जिसने आंसू बहाए। दिल में आ, गुनाह को पहचाने, प्रियाज माफी का दिल। जी हाँ।
रूहुल कुदस दिल में आ, रूहुल कुदस दिल में आ, रूहुल कुदस दिल में आ, बोलो रूहुल कुदस दिल में आ, 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 रूहुल कुदस, रूहुल कुदस दिल में आ, रूहुल कुदस दिल। कोई आंख, आप भी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें सब, कोई आंख खुली ना रहे, खुदा के स्पर्श कर दे। मुबारक है वो जो गमगीन है, जो आंसू बहाते हैं वो तसल्ली पाएंगे, आंसू बहाना खुदा के हजूर अपने गुनाहों पर। रूहुल कुदस दिल में आ, रूहुल कुदस दिल में आ, रूहुल कुदस दिल में आ, रूहुल कुदस हमिंग दिल में आ, छू रूल को, छू एक को।